याप्रसंगी कोपरगाव येथे घडलेली घटना संपूर्ण मानवजातीला काळीमा फासणारी असल्याचे सांगत या घटनेतील आरोपींना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली. तसेच देशभरात तथाकथित गोरक्षकांकडून अत्याचाराच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. संबंधित गोरक्षकांकडून जातीय सलोख्याला अडचणी निर्माण होईल असे कृत्य केले जात असल्याने शासनाने याबाबत तातडीने दखल घेणे गरजेचे बनले असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी उपस्थित आंदोलकांनी देशात हिंदू मुस्लिमांसह सर्व समाज शांततेने नांदत असताना काही संघटनांना देशातील शांतता नकुशी झालेली आहे, यामुळे देशात शासनाने आपली जबाबदारी योग्यपणे पार पाडत शांतता व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी यावेळी मुफ्ती अफजल यांनी केली. शासनाने गोरक्षकांकडून होणाऱ्या हल्ल्याच्या संरक्षणासाठी मानव सुरक्षा कायदा लागू करण्याची मागणीही यावेळी मौलाना असलम यांनी केली. याप्रसंगी तहसीलदार अनिल दौंडे, पोलीस उपनिरीक्षक सविता सदावर्ते यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी जमियते उलेमा हिंद संघटनेचे अब्दुल कादिर साहब, मुफ्ती अफजल, मौलाना इस्माईल, मौलाना असलम, असलम सय्यद, इस्माईल सय्यद, सत्तारभाई शेख, आरपीआयचे पापाभाई बिवाल, कांतीलाल जगधने, सचिन साळवे, जमियत उलमा संघटनेचे अध्यक्ष इम्रान सय्यद, सचिव डॉक्टर जाकीर शेख, बहुजन मुक्ती पार्टीचे संतोष वाघमारे, संजय संसारे, अब्दुलबाई आतार, दीपक साळवे, महम्मद पठाण, अफनान आतार, बिलालभाई शेख आदींसह विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कोपरगाव घटना व गोरक्षकांच्या अवैध कृत्यांचा निषेध नोंदवलाय. यहाँ पर जाहिर निषेध के लिए जमा हुए हैं. कोपरगाव में जो मतिमंद लड़की पर बलात्कार हुआ है उसको जो है फांसी की सजा होनी ही चाहिए, इसलिए जो है हम यहाँ पर सब जमा हुए हैं और जो है हमको आरपीआई और इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी और इसी तरीके से ऑल इंडिया माहिती समिति, इन्होंने भी जो है पाठिंबा दिया है और बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं. हम जो हैं ये जाहिर निषेध करते हैं कि ऐसे बलात्कारियों को फांसी की सजा ही होना चाहिए, इसलिए कि अगर इससे पहले ये कदम उठाया जाता, अगर कानून इससे पहले ही अगर इनको सज़ा दे देता, जैसे कि जो है दहली के अंदर जो है तो हुआ था, अगर जो है उन बलात्कारियों को सजा दी जाती तो आज ये नौबत नहीं आती. जैसे कोपरडी के अंदर हुआ, अगर उन लोगों को जल्दी से पकड़ के फांसी की सजा होती तो आज ये कोपरगांव का मैटर नहीं होता. बेटी किसी की भी हो, ये हमारे हिंदुस्तान की बेटी है. बेटी किसी की भी हो, चाहे कोई भी मजहब वाला हो, आखिर बेटी बेटी है. प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इन्हीं माँ को, माँ के कदमों के नीचे जो है जन्नत है, इन्हीं के जो है पैरों के नीचे स्वर्ग जो है तो रखा है. अगर इनको फांसी की सज़ा होती है तो फिर कोई भी जो है गलत निगाह हमारी माँ बहनों पर नहीं डालेगा. हम देख रहे हैं आज हमारी बेटियाँ स्कूल में जाने के लिए भी डर कर कदम रखती हैं, चाहे कॉलेज को जाओ या सर्विस को जाओ, हर वक्त जो है वह डर डर कर कदम रखती हैं और उसके बावजूद भी इतनी सारी चीज़ें हो रही. क्यों? इसलिए कि जो है कानून तौर पर जो इनको ढील दी जाती हैं, कुछ पुढ़ारी लोग आकर इनको छुड़ा देते हैं, जिसकी वजह से लोगों की हिम्मतें बढ़ जाती हैं. इसलिए हम अपील करते हैं कि ऐसे जो है नालायकों को और बलात्कारियों को और जिन्होंने जबरन जिना किया है, इनको फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए. इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ.